So hey guys, welcome back to MyTutor247, the platform which helps to make your dream comes true. मेरा नाम है यशराज, first prof MBBS student from AVV GMC Vidisha. So hey guys, आज की हमारी जो वीडियो है कुछ कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है. ये वो कॉमन क्वेश्चंस है जिन पर हर एक नीट एस्पिरेंट अपने 2 या 3 साल के करियर में कुछ प्रॉब्लम को फेस करता है और चाहता है इनकी प्रॉपर मेंटरिंग या गाइडेंस मिले, पर उन्हें और ये उन्हें या इस बच्चे को वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है. एक बार आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन जो है, क्या होता है, टाइम गुजरते जाता है और गुजरते ही जाता है, पर बच्चा क्या करता है, पुराना एक समय में बहुत अच्छा याद रहता है उसे, आगे बढ़ते बढ़ते वो पुराना भूलते जाता है. एक यह क्वेश्चन होता है. दूसरा बच्चा पूछता है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए. चलिए जी, थर्ड देखते हैं, Which books to be preferred for biology? बच्चे बहुत अक्सर पूछते हैं कि सर बायोलॉजी के लिए मैं कौन सी बुक्स प्रेफर करूं, क्या एनसीईआरटी सफिशियंट है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट शुड बी अवर टाइम टेबल, हमारे पढ़ने का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या हमारा आइडियल टाइम होना चाहिए. ये 4 क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज्यादा फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल बात करने वाला हूं उनके सॉल्यूशन पर. अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको लगता है कि मैं इनके सॉल्यूशन या इनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, आप आगे वीडियो स्किप करने वाले हो, तो मैं आपसे कहूंगा आप अभी वीडियो क्विट कर दो और जा सकते हो. आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर यदि इनके आपको बहुत अच्छे सक्सेसफुल आंसर मिलने वाले हैं और इन जो प्रॉब्लम रहती है उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सुनना गाइस, पहले प्रॉब्लम समझते हैं. प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे अक्सर मेरे पास वो प्रॉब्लम लेकर आते हैं. एक्चुअली क्या होता है, मान लो आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, आपने आज वो चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छी आपकी ग्रिप बनी हुई है. फिर क्या होता है, आप जैसे जैसे कोर्स बढ़ते जाता है, आप और चैप्टर आगे पढ़ते जाते हो, तो उस चैप्टर की जो ग्रिप होती है वो हमारी कमजोर होती जाती है और वो चैप्टर हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं, हमारे माइंड से वो चैप्टर निकलते जाता है. सो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन ये है कि जो हमने पहले पढ़ रखा है और जो हम बाद में पढ़ रहे हैं उसे साथ में हम कैसे याद रखते जाएं या उसे हम माइंड में कैसे एक साथ रखें. तो इसका सॉल्यूशन ये है, सीधा सा मेरा कॉन्सेप्ट आता है, रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज. मेरी एक लाइन याद रखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं, रिवीजन, सुनना बहुत ध्यान से, फ्रॉम द फर्स्ट पेज. ये जो लाइन है एक गोल्डन लाइन हम बोल सकते हैं. रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज से मेरा क्या मतलब है, इसे समझिएगा बहुत ध्यान से. मान लीजिए आपने एक अपने कॉलेज का या फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट का लेक्चर अटेंड किया, आपने आज उस टॉपिक पर या उस पर्टिकुलर चैप्टर पर ग्रिप अच्छी बनी हुई है. अब रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज से मेरा क्या मतलब है, आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे, फिर आप थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर एंड सो ऑन. जब आप फोर्थ लेक्चर अटेंड करोगे या सेकंड लेक्चर अटेंड करोगे, तो बच्चा क्या करता है, फर्स्ट लेक्चर रिवाइज किया छोड़ दिया, सेकंड डे सेकंड लेक्चर रिवाइज किया छोड़ दिया, थर्ड डे थर्ड लेक्चर रिवाइज किया छोड़ दिया. इस गलती करने से क्या होता है, हम पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना हम मेहनत करते हैं. तो इसे हम स्मार्ट वर्क के तरीके से क्या करेंगे, मानो आपने एक लेक्चर पहले अटेंड किया उसे रिवाइज करेंगे, दूसरे दिन हम क्या पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन पहला दूसरा तीसरा, 10वें दिन स्टार्टिंग के 9 और 10 लेक्चर. आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा बर्डन है, पर आप 10 दिन तक फर्स्ट करोगे ना, फर्स्ट लेक्चर जिसे आप एक दिन में पहले दिन से आप आधे घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, 10वें दिन उसे आप मात्र 4 से 5 मिनट में रिवाइज कर पाओगे. और जैसे जैसे वो चैप्टर खत्म होगा ना, आपका वो चैप्टर पूरे माइंड में रहेगा, सडनली कोई सरप्राइज टेस्ट भी आपका टीचर आपसे ले लेता है तो आप बहुत अच्छा टेस्ट दे पाओगे और वो चैप्टर इतना अच्छा आपके माइंड में ग्रिप बन जाएगी ना, आप जैसे शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में रख पाओगे. तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर दिया है. ये वो आंसर है जो सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से डिस्कशन करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. यहाँ तक आ गए हो तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब और सुनकर जाना, बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अगर आप ड्रॉपर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी क्या मेंटेलिटी रहना चाहिए, क्या आपका माइंड सेट रहना चाहिए ड्रॉप लेते वक्त. अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, बच्चा ड्रॉप लेता है तो उसके माइंड में 2 व्यू चल रहे होते हैं, या हम बोलते हैं कि 2 बच्चे या 2 टाइप के स्टूडेंट्स ड्रॉप लेते हैं. पहला बच्चा क्या सोचता है कि यार 7 महीने ही तो है, 7 महीने बाद मेरा एग्जाम है, एक बार और एग्जाम अटेम्प्ट कर लेंगे, सिलेक्शन होता है तो ठीक और नहीं होता है तो भी ठीक. पहला बच्चा ये सोचता है, इसे क्या बोलते हैं, लूज एटीट्यूड. क्वेश्चन सुनो, दूसरा बच्चा क्या सोचता है, दूसरा बच्चा सोचता है मैंने बहुत मेहनत की थी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं,
मैं सेकंड 7 महीने हैं अभी मेरे पास, 7 months are more than enough. मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सिलेक्शन लेकर ही बताऊंगा, मुझे दोबारा इस एग्जाम में इसके बाद नहीं बैठना है और अटेंड नहीं लेना है. तो इसे हम बोलते हैं क्या, एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड. तो जो पहला वाला बच्चा था लूज एटीट्यूड, ऐसे आप सोच के करोगे ना, ठीक है यार एक बार और एग्जाम में बैठ लेंगे, फिर बोलेंगे सिलेक्शन होता है तो ठीक. आपको एक डर ही नहीं है यार कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, आपको सिलेक्शन लेने के अंदर एक जोश और जुनून ही नहीं है आपके अंदर. जब तक वो पागलपन नहीं आएगा नीट के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और इस लूज एटीट्यूड से तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा. शायद मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी, पर हाँ इतना जरूर बोलता हूँ मैं गारंटी से, यदि आप सेकंड वाला जो मैंने बताया फैक्ट उससे अपना लेते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे. एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, डेडिकेशन रखो, मुझे वो स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट पाकर ही हर पाना ही है. समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये है अपना, यदि आप ड्रॉपर हो तो क्या मेंटेलिटी रहनी चाहिए. समझ में आई हमारी मेंटेलिटी क्या रहनी चाहिए, कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ड्रॉप लेना है और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है. समझते हैं विच बुक्स टू बी प्रेफर फॉर बायोलॉजी. बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड क्वेश्चन तक आगे उसे भी सुनकर जाओ, कौन कौन सी बुक्स हमें बायो के लिए प्रेफर करनी चाहिए. बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर बायो के लिए हम एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ें, और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है बच्चों से बात करने के बाद, नीट में हम सब जानते हैं कि 90 से 85 क्वेश्चन हमें एज इट इज एनसीईआरटी से मिलेंगे, एज इट इज एनसीईआरटी से मिलेंगे. बच्चा 90 में से उन 85 + 5 90 हो गए, ये हमें एनसीईआरटी से मिलेंगे. बच्चा इन 85 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागता, बच्चा इन 5 क्वेश्चन के पीछे भागता है कि मुझे ये 5 क्वेश्चन करने हैं, और इन 5 क्वेश्चन के चक्कर में बच्चा 85 क्वेश्चन भी सही से नहीं कर पाता है. तो मेरा मानना ये है कि गाइस पहले आप अपने 85 क्वेश्चन तो सिक्योर कर लो. आपको लगता है कि यहाँ से 85 के मैं बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ, इसकी थ्योरी कहीं से भी आ जाए मैं सारे अटेम्प्ट सही कर दूंगा, तब इनके पीछे आप भागो. क्योंकि ये 5 क्वेश्चन वो है, आप कुछ भी पढ़ लो, एलन के मॉड्यूल, आकाश के मॉड्यूल, एक्स वाई जेड कोई भी बुक पढ़ लो, उसके बाद भी गारंटी नहीं है वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, वो आउट ऑफ द कोर्स भी आ सकते हैं. तो इन 85 के पीछे भागो ना यार. 85 मतलब 340 नंबर. जब आप 340 नंबर का भी अटेम्प्ट करते हो और 320-310 नंबर के आसपास लाते हो, दैट आर मोर देन इनफ फॉर योर सिलेक्शन. और हम जानते हैं बायोलॉजी कितना कवर करती है, 50% वेटेज. तो बुक्स की बात चल रही थी, तो 85 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे हमें, एज इट इज एनसीईआरटी से. एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं खुद एक एलन करियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, वहाँ टॉपर टॉक शो वगैरह होते हैं, उसमें टॉपर्स वगैरह भी ये बोलते हैं हमसे कि आपसे कवर नहीं हो पा रहा है मॉड्यूल, छोड़ दो, आप कोई और एक्स वाई जेड बुक पढ़ रहे हो, छोड़ दो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ो. लेकिन जब हम इस स्टेज में होते हैं ना, 11th 12th वाली स्टेज में, हम खुद नहीं मानते हैं. मैं भी नहीं मानता था. मैं सोचता था कि नहीं यार मॉड्यूल्स में या एक्स वाई जेड अदर बुक्स में ज़्यादा नॉलेज है, उसे पढ़ूंगा तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आएंगे. जबकि रिजल्ट ये सामने आया, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, उनके मार्क्स मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर आए थे. तो कहने का मतलब है हमें क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी इज अवर गॉड, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, भगवान है एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, रट लो इस नाम को. समझ आया थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी अवर स्टडी टाइम. ये इतना बकवास क्वेश्चन है ना, और इसीलिए मैंने लिखा है इस बकवास क्वेश्चन का, आज आपको बहुत संतुष्टि भरा, बहुत सेटिस्फाइड आंसर देकर जाऊंगा. यार ये बताओ, मैंने आपसे बोला मेरा मन सुबह लगता है 4 से 6 बजे तक, या किसी और ने आपसे बोला उसका मन रात को लगता है, तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, क्या आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे? टेल मी ऑनेस्टली, आप यार अपने अकॉर्डिंग चलोगे ना, जब आपका मन लगता है तब पढ़ो. ना मैं कहता ना किसी की सुनो कि आप सुबह पढ़ो रात को पढ़ो, इट्स नॉट यार, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, जब आपका मन लगता है तब पढ़ो. मेरा मन रात को लगता था, मैं रात को पढ़ता था. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सुबह पढ़ते हैं, पर जब मन लगता है तब पढ़ो, और जब पढ़ रहे हो तब इतना इफेक्टिव पढ़ो कि आप 8 घंटे का जो कोर्स है उसे 6 घंटे में कवर करो. इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, इसे हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं. तो टाइम का सवाल तो दोबारा कभी पूछना मत, ना मैं अपनी दोबारा वीडियो में बताने वाला हूँ. व्हाट शुड बी योर स्टडी टाइम, जब मन लगता है तब पढ़ो, पर इफेक्टिव पढ़ो. बायो का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड है तब तो बिल्कुल मत पढ़ो, जब माइंड फ्रेश है या तो दिन में उठने के बाद या सुबह उठने के बाद. ओवरऑल कहना चाहता हूँ, जब माइंड फ्रेश है आपका, टेंशन फ्री हो, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो, थके हुए नहीं हो, उस टाइम बायो प्रेफर करो, ज़्यादा अच्छा कवर अप कर पाओगे. तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस थे, उनके आपको सेटिस्फाइड आंसर्स दे पाया हूँ. और यहाँ तक जिसने वीडियो एंड तक सुनी है, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है,
और आपके आप मोटिवेट मोटिवेशन दोगे, इंस्पिरेशन दोगे तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियोस ले पाएंगे। अब गाइज यदि आप चाहते हो इस चैनल पर कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं मेरे जेनेटिक्स के, आप उन्हें एक बार सुनिए, आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप चाहते हो सिमिलर लेक्चर और चैप्टर्स के ऊपर बनाए जाए तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई हो आपको लगता है बकवास बोला है डिसलाइक कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कमेंट करना, कुछ करो या मत करो, शेयर एक शेयर जरूर कर देना जिससे हर एक नीट एस्पिरेंट तक ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी पहुंच पाए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।